दोस्तों, तो मैं जैसे कि आपके लिए रोज़ वीडियो लाते रहता हूँ, तो आज फिर एक नई वीडियो आ गई है। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप एलईडी टीवी को अपने कंप्यूटर के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। तो हमारे पास ये है एलईडी टीवी और ये है अपना सीपीयू, और इससे मैंने एक मेन लाइन से बोर्ड ली है। ये जो अपने पास बोर्ड आई है, ये बोर्ड है अपने पास, इसको और इसको आप इस बोर्ड पे लगाइए टीवी को, और VGA केबल को आपको टीवी को पीछे साइड VGA केबल रहेगा उस पे लगाना है, और ये दूसरी वाली सिरे को सीपीयू को VGA केबल पे लगाना है। पहले इस केबल को आप देखिए, ये केबल मार्केट में मिल जाएगी इजली 250 तक, 250 से 300 तक में। तो ये VGA केबल, यहाँ पे देखिए आप VGA लिखा हुआ है, देखिए आपको क्लियरली दिख जाएगा VGA केबल, अंदर केबल की वो है। तो इसमें ऐसे करके इसको लगा दीजिए और अच्छे से टाइट कर दीजिए, और सीपीयू के साउंड को लगाने, साउंड आपके टीवी में लाने के लिए आपको सिर्फ एक सिंपल केबल, ये वाली केबल जी, ऑक्स केबल, जो कि 40-50 रुपए मिल जाती है, दोनों साइड ऑक्स की वायर टाइप से रहती है। तो VGA केबल के बगल में ही ऑक्स की एक केबल दी है, तो इसमें ऐसे लगा दीजिए, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे लगा दीजिए और ये दोनों को साइड पे लगा दीजिए, और आप ये देख रहे हैं, और बस ये एक VGA केबल हो गई और दूसरी ये वाली ऑक्स केबल। इन दोनों केबल को सीपीयू के बैक साइड पे आप लगा दीजिए, आपको दिखाता हूँ कहाँ पे। यहाँ पे तीन केबल रहती है ऑक्स के साइड ओइड पे, तो बीच वाले पे आप लगाइए, ये देखिए ये तीन रहती है, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो आप ग्रीन वाले पे ऑक्स केबल को लगा दें, और VGA केबल आप देखिए यहाँ पे जो इसकी ये है ये वायरिंग, तो ये आप इसमें इसको लगा दीजिए और इसको अच्छे तरीके से टाइट कर दीजिए, आप देख रहे हैं। और इसमें एक जो मेन लाइन से करंट आती है वो वाली वायर लगा दीजिए, लगा दिया, और इसी को इसको सीपीयू के बैक साइड पे लगा दिया। ये जैसा कि आप जानते हैं इसमें करंट मेरे ख्याल से आ चुका होगा। टीवी पे आप देख सकते हैं ये लाइट जल रही है, प्लग लगी हुई है और सीपीयू पे लगी हुई है, और सीपीयू के मैंने इसको लगाया तो देखिए फैन चलना स्टार्ट हो गया सीपीयू का, देखिए आवाज़ भी आ रही है, और टीवी को चालू कर लेते हैं अपन। और एक सबसे मेन बात जो मैं आपको बताना तो भूल ही गया, टीवी को जो ये सोर्स बटन है, सोर्स बटन से कन्वर्ट करके AVI से कन्वर्ट करके PC पे कर दीजिए, आप देख सकते हैं अपना कंप्यूटर ओपन हो गया, क्योंकि अपन पहले ही इसको ओपन कर चुके थे। एक देख सकते हैं आप, वेलकम HP टैग आ चुका है, मैंने नाम सेट किया हुआ है, आप फोटो भी सेट कर सकते हैं, और ये देख सकते हैं परफेक्टली तरीके से वर्क कर रहे हैं। अब इसको देख लेते हैं चालू होते हुए, और मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, और जैसा कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आप बोलेंगे साउंड नहीं आता, तो मैं आपको चेक करके दिखा, बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें मत जाइए कि ये नहीं बता रहा है, ये नहीं बता रहा है क्योंकि मेरे ख्याल से शायद इस पे कुछ अलग फॉल्ट है, टेक्निकल फॉल्ट होगी पर ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है, मैं आपको सुना के दिखाता हूँ। आ रही आवाज ना, अब मैं आप आप इसके रिमोट को देख रहे हैं, इसको तेज करता हूँ, दुनिया तो
देख रहे हैं। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से साउंड आ रहा है। आप इस तरीके से अपने कंप्यूटर को अपने टीवी के साथ बिल्कुल अच्छे से जोड़ सकते हैं।